भाई और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा, और धनलाल जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड अलोन बायलेटरल विजिट थी, और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला, संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में नव शपेल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। यह मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है, और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है, और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता रहता हूं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। पहले कहा जा रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत को कहां से वैक्सीन मिलेगी, कैसे लोगों का जीवन बचेगा, लेकिन आज भारत वैक्सीन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तैयार करने वाला देश बनकर के आज उभरा है। करोड़ों वैक्सीन डोज हमारे देश में लगाई चुकी है। आपको भी सुनकर गर्व होगा कि इसमें भी 99% वैक्सीनेशन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन से हुआ है। इसी कालखंड में हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनकर के उभरे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत का ये बढ़ता हुआ कद, ये बढ़ती हुई साख, इससे सबसे ज्यादा किसी का सर ऊंचा होता है तो वो हमारे डायस्पोरा का है। क्योंकि जब देश का सम्मान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों भारतीय मूल के लोगों का भी उतना ही सम्मान बढ़ जाता है, उनके प्रति दुनिया का नजरिया बदल जाता है।
इस सम्मान के साथ नए अवसर भी आते हैं, नई भागीदारियां भी आती हैं और सुरक्षा की भावना भी मजबूत होती है। हमारे भारतीय डायस्पोरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूत मानता रहा हूं। सरकार जो भेजती है वो तो राजदूत है, लेकिन आप जो है राष्ट्रदूत है। आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज है, बुलंद पहचान है।